पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मानकोटिया द्वारा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पर लगाए गए आरोपों के चलते कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ और धर्मशाला यूथ कांग्रेस ने मानकोटिया पर पलटवार किया है। ओबीसी कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, धर्मशाला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी राणा, यूथ इंटेक जिलाध्यक्ष शुभम सूद ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मानकोटिया ने सीनियर लीडर्स पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद ना किया तो उनका घेराव किया जाएगा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मेजर विजय सिंह मनकोटिया जी ने पिछले कल जो कांग्रेस पार्टी पर और हमारे वरिष्ठ नेताओं पर जो आरोप लगाए थे, झूठे आरोप जो लगाए थे, उनका जवाब देने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। और मेजर मनकोटिया जी जिस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मुझे लगता है मेजर मनकोटिया जी का जो मानसिक संतुलन है वो हिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वो पिछले कई दिनों से दिल्ली दरबार में यही आस लगाकर बैठे थे कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको कांग्रेस की टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव काम करने वाले व्यक्तियों को आगे लेकर आती है और आदरणीय मेजर विजय सिंह मनकोटिया को जब टिकट नहीं मिली तो वो धर्मशाला में आके उन्होंने इस बात की भड़ास निकाली है, जिसके लिए आज हम यहाँ सभी लोग इकट्ठे होकर हमने उस बात का जो है वो सिरे से नकारा है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जो बातें उन्होंने हमारे आदरणीय नेता सुधीर शर्मा जी के प्रति की थी, तो मेजर मनकोटिया जी को मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सुधीर शर्मा जी ने पिछले 5 वर्षों में 2012 से 17 तक जो कार्य धर्मशाला विधानसभा के लिए किए हैं, वो धर्मशाला की जनता समय आने पर उस चीज़ का जो बखान है वो करेगी, जो जवाब है वो भी दिया जाएगा। और मेजर मनकोटिया जी धर्मशाला की जगह मुझे लगता है अपना चुनाव क्षेत्र, वैसे रहने वाले तो वो कांगड़ा के हैं, राजनीति करने के लिए शाहपुर और धर्मशाला घूमते रहते हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र को संभालें। और अगर आपने काम कुछ किया होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता उन्होंने शाहपुर में क्या किया है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो आने वाले 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, आप चुनाव का पर्चा भरें, चुनाव लड़ें, जनता उसका जवाब देगी।